हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत। स्वागत है आपका परफेक्ट ट्यूटोरियल में। तो आज हम देखने वाले हैं वर्ड फाइल में से होम टैब। उसमें हम क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ग्रुप क्लियर करेंगे। अगर होम टैब का एक ही वीडियो बनाएंगे तो वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। इसके लिए हम इस वीडियो में दो ही ग्रुप देखेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और उसके लिए जाएंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ये है अपना वर्ड फाइल, और वर्ड फाइल में आज हम देखने वाले होम टैब। होम टैब में से हम क्लियर करेंगे क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ग्रुप को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और हमें करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए हमें चाहिए पैराग्राफ। आपको तो पता ही है पैराग्राफ के लिए फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट देन एंटर। हमारा पैराग्राफ आ चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप को। क्लिपबोर्ड ग्रुप में चार ऑप्शंस है, पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर। तो अभी हम करेंगे कट ऑप्शन को सिलेक्शन। कट के लिए हम क्या करेंगे, जो सेंटेंस हमको कट करना है उसको हमें सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने में दो ऑप्शंस है, एक तो माउस से कर सकते हो, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे माउस से सिलेक्शन कर सकते हैं ऐसे तरीके से, या कीबोर्ड से भी हम शिफ्ट करके लेफ़्ट एरो या राइट एरो जो आपको सिलेक्शन करना है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं इस सेंटेंस को सिलेक्शन कर लेता हूँ और यहाँ पे आके कट कर दूँगा, कट को क्लिक कर दूँगा। और मुझे कहाँ पे चाहिए, मुझे चाहिए सबसे एंड में, तो यहाँ पे आके मैं उसको पेस्ट कर लूँगा। तो देखिए, पहले पैराग्राफ में जो सेंटेंस था वो रिमूव हो चुका है वहाँ से, और जहाँ पे मैंने लिया है वहाँ पे वो पेस्ट हो चुका है। तो कट मतलब परमानेंटली कट हो जा रहा है। तो ये ऑप्शन अपना था कट। अभी मुझे करना है कॉपी। मान लो मैंने गैलरी जो वर्ड है उसको सिलेक्शन कर लिया और कॉपी को क्लिक कर लिया। इसमें और एक बताना चाहता हूँ, आप जिस भी ऑप्शन में जाओगे तो उसका शॉर्टकट की आपको दिखाई देगा। जैसे कि कट का शॉर्टकट की है कंट्रोल X, पेस्ट का शॉर्टकट की है कंट्रोल V, कॉपी का शॉर्टकट की है कंट्रोल C। आपको एक 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 में शॉर्टकट बताते भी जाऊँगा, और आपको ध्यान में भी रखना है ताकि आप जब भी रियल में काम करोगे तो उसको आपको यूज़ करने पे आ जाए। तो चलिए कॉपी करने का हम ऑप्शन देख लेते हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया गैलरी वर्ड को, और यहाँ पे आके कॉपी को सिलेक्शन टिक क्लिक कर दूंगा। मान लो मुझे कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए थर्ड पैराग्राफ के एंडिंग में, यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूंगा। तो देखिए, ये जो गैलरी जो वर्ड है वो यहाँ पे भी आ चुका है, और जहाँ से हमने कॉपी किया था वहाँ पे भी है। कट मतलब परमानेंटली कट, कॉपी मतलब उसी लेटर का बोलो या सेंटेंस का है, वर्ड का है, उसी का हमको डुप्लीकेट कॉपी मिल सकता है। हम जितनी बार चाहे उसको पेस्ट भी कर सकते हैं। तो हमने तीन ऑप्शन देखे, कट, कॉपी और पेस्ट। हमें जहाँ पे करना है उस वहाँ पे हम पेस्ट भी कर रहे थे। तो हमने क्लिपबोर्ड ग्रुप में से तीन ऑप्शंस क्लियर कर लिए हैं। फॉर्मेट पेंटर जो है वो हम कुछ देर में देखने वाले, क्योंकि फॉर्मेट पेंटर के लिए हमें कुछ फॉर्मेटिंग भी करनी पड़ेगी। तो इसके पहले हम फॉन्ट ग्रुप को भी स्टार्ट करेंगे। अभी मान लो मैंने कर्सर यहाँ पे रखा है। सबसे पहला ऑप्शन है अपना फॉन्ट स्टाइल का। फॉन्ट स्टाइल मतलब क्या होता है, अपना जो टेक्स्ट है, जो फॉन्ट है उसका डिज़ाइन बोल सकते हैं, उसको हमें चेंज करना है तो उसी को फॉन्ट स्टाइल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सिलेक्शन कर लूँगा, और यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल दिए हुए हैं। मैं मान लो यहाँ पर एक एक करके अगर मैं चेक करने जाऊंगा तो इसका प्रीव्यू यहाँ पे दिखाई देगा आपको, जो मैंने सिलेक्टेड किया हुआ पैराग्राफ है। तो यहाँ पे देखिए, मैं जैसे जैसे नीचे आ रहा हूँ तो उसका प्रीव्यू यहाँ पे वहाँ पे चेंज होते जा रहा है, ये बराबर से दिखाई दे रहा है। इसको हम सिलेक्शन कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे पहले से जो फॉन्ट था अपना वो चेंज हो चुका है। मैं एक ही दिखाऊंगा आपको, जो है वो एक एक करके प्रैक्टिस कर लेना है उस पर। तो ये हुआ अपना फॉन्ट स्टाइल। उसके बाद है फॉन्ट साइज़ बढ़ाना है, तो अपना जो फॉन्ट साइज़ होता है वो 11 पे होता है बाय डिफ़ॉल्ट। इसके बाद अगर हमें फॉन्ट साइज़ चेंज करना है तो हम यहाँ से आके चेंज कर सकते हैं, ये जो ड्रॉप डाउन एरो है। और एक बात बताना चाहता हूँ, आपको जहाँ पे भी ऐसा ड्रॉप डाउन एरो दिखाई देगा तो हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे और भी कोई ऑप्शंस है। मैं मान लो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 72 तक दिया हुआ है फॉन्ट साइज़ बढ़ाने का ऑप्शन। इसके बाद हम मैन्युअली भी कर सकते हैं यहाँ पे चेंजेस। अगर मुझे 13 साइज़ करना है फॉन्ट साइज़, तो मैं मैन्युअली टाइप करूँगा देन एंटर। तो देखिए, 11 के बाद जो 13 साइज़ है वो इस तरीके से है, बढ़ गए फॉन्ट साइज़। मुझे अगर नॉर्मल करना है तो
यहाँ पे आऊँगा और 11 साइज को फिर से क्लिक करूँगा। तो ये हो चुका अपना फॉन्ट साइज़ का चेंजेस। फॉन्ट साइज़ बढ़ाने के लिए और भी दो ऑप्शंस दिए हैं, इंक्रीज फॉन्ट साइज़ और डिक्रीज फॉन्ट साइज़, जो कि सेम साइज़ है, फॉन्ट साइज़ बढ़ाने का ही ऑप्शन है। यहाँ पे मैं इंक्रीज फॉन्ट साइज़ को क्लिक करते जाऊँगा तो देखिए अपना जो ये फॉन्ट है वो भी साइज़ बढ़ते जा रहा है और यहाँ पे जो नंबर है वो भी चेंज होते जा रहा है। देखिए 18, 20, ये हुआ इंक्रीज फॉन्ट साइज़। मुझे कम करना है तो यहाँ पे डिक्रीज फॉन्ट साइज़ का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए फॉन्ट साइज़ जो है वो नॉर्मल होते जा रहा है, जैसे नॉर्मल छोटे अक्षर में था वो। अभी हम क्या करेंगे, उसके बाद वाला जो ऑप्शन है वो चेंज केस है। अब ये चेंज केस में और 5 ऑप्शंस है। फर्स्ट है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोगल केस। सबसे पहले हम देखेंगे सेंटेंस केस क्या है। हमने देखा ही रहेगा हमारे पास जो पैराग्राफ होता है उसका जो स्टार्टिंग वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में होता है, उसी को सेंटेंस केस बोलते हैं। एग्जांपल के लिए हम इस टी को स्मॉल करेंगे, जो कैपिटल था उसको स्मॉल करेंगे, बाद में पैराग्राफ जो है वो सिलेक्शन करके सेंटेंस केस को क्लिक करेंगे तो देखिए टी जो है वो कैपिटल में हो गया है, तो वही सेंटेंस केस है। इसके बाद वाला ऑप्शन है लोअर केस। अभी हमारे पास जो सब पूरा पैराग्राफ है वो लोअर में ही है, स्मॉल केस में ही है। अगर मुझे इसी को वन स्टेप में कैपिटल में करना है तो मैं इसको सिलेक्शन करूँगा, यहाँ पे आके अपर केस करूँगा तो देखिए अपना पूरा पैराग्राफ जो स्मॉल में था वो हमने कैपिटल में कर लिया है और वही हमने कर लिया है अपर केस से। अगर मुझे इसी को स्मॉल में करना है तो मैं इसको सिलेक्शन कर लूँगा और यहाँ पे आके हम उसको लोअर केस कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे जो नॉर्मल हमारा टेक्स्ट था स्मॉल में वैसा हमने कर लिया है। इसको मैं नॉर्मल कर रहा हूँ, अंडू कर रहा हूँ फ्रेंड्स, उसी का शॉर्टकट किया है कंट्रोल जेड। मान लो मैंने इसी भी फॉर्मेटिंग दिखाऊंगा आपको तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आऊँगा, इसके लिए मैं उसको अंडू कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड करके पीछे की तरफ आ रहा हूँ। उसके बाद एक कैपिटलाइज ईच वर्ड, मान लो मैंने इसको सिलेक्शन कर लिया इस सेंटेंस को और यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड को जाके सिलेक्शन कर लिया तो देखिए मैंने जिस सेंटेंस को सिलेक्ट किया था उसमें से हर एक लेटर जो है फर्स्ट वर्ड, जो वर्ड में फर्स्ट लेटर कैपिटल हो चुका है, देखिए हर एक में, ठीक है। तो यही था कैपिटलाइज ईच वर्ड। और उसके बाद जो है वो है टोगल केस। टोगल केस मतलब क्या होता है, बिल्कुल कैपिटलाइज ईच वर्ड के अपोजिट साइड में बोल सकते हैं उसको, एक बार देखेंगे कैसे होता है वो। मान लो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया इस पैराग्राफ को, देन यहाँ पे आके इसको टोगल केस को सिलेक्शन कर लिया तो देखिए यहाँ पे पूरा पैराग्राफ सिलेक्शन में से कुछ ही वर्ड्स यहाँ पे चेंजेस हो चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे अंडरलाइन आई है। मान लो मैं यहाँ पे रिगार्ड रीडिंग का जो ऑप्शन है यहाँ पे आर स्मॉल है बाकी का कैपिटल है, यहाँ पे भी आर स्मॉल है बाकी का कैपिटल है, तो ये है टोगल केस। ये ऑप्शन जो है वो बहुत कम यूज़ होता है, फिर भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दे के रखा है। तो ये हुआ अपना चेंज केस। इसके बाद क्लियर फॉर्मेटिंग है, उसके लिए हम कुछ समय के लिए उसको बाजू में रखेंगे क्योंकि आगे हमको फॉर्मेटिंग करना है। हमने दो टॉपिक छोड़े हैं, दो ऑप्शन, फॉर्मेट पेंटर और क्लियर फॉर्मेटिंग, मैं आपको आखिर में वो बताने वाला हूँ। अभी हम देखेंगे बोल्ड कैसे करते हैं। बोल्ड मतलब क्या, डार्क में, जैसे कि हम बोलते हैं ना कोई भी चीज़ को हमको हाईलाइट करना है तो थिकनेस उसका बढ़ाना है तो हम इसको सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे बोल्ड करेंगे तो देखिए बढ़ चुका है उसका जो थिकनेस है वो बढ़ चुका है, तो ये था बोल्ड ऑप्शन। उसके बाद इटैलिक। इटैलिक में क्या होता है, अपना जो टेक्स्ट है जो भी हमारा सेंटेंस है उसमें से हमारा जो इफेक्ट है वो चेंज होगा, इटैलिक थोड़ा सा क्रॉस में दिखाई देगा, देखिए थोड़ा सा क्रॉस में दिखा रहा है वो, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल आई, बोल्ड का है कंट्रोल बी, आपको एक एक ये शॉर्टकट भी ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। तो ये हमने देखा है इटैलिक कैसे करना है, उसको भी नॉर्मल कर लूँगा मैं। बाद में है अंडरलाइन, मुझे अगर कोई भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन दिखाना है तो सिलेक्शन कर लूँगा, देन यहाँ पे आके अंडरलाइन को क्लिक कर दूंगा, देखिए यहाँ पे एक अंडरलाइन आ चुकी है यहाँ पे, तो यही है अंडरलाइन करने का ऑप्शन यहाँ पे है, उसी का शॉर्टकट की है कंट्रोल यू।
उसके बाजू में ड्रॉप डाउन एरो है, उसमें और भी बहुत सारे अंडरलाइन के ऑप्शंस है, आप एक एक करके उसको चेक कर लेना। और उसके बाद है अंडरलाइन कलर, अपने को जो अंडरलाइन कलर मिल रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है। अगर उसके बाद आपको अगर कलर चेंज करना है तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, आपको एक एक करके चेंज करना है, आपको जो रिक्वायरमेंट रहेगी जिस हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हो। तो ये देखा आपने अंडरलाइन में और भी ऑप्शंस। अभी उसके बाद है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू मतलब क्या होता है, अगर ये सेंटेंस मुझे परमानेंटली नहीं डिलीट करना है तो, और सामने वाले को दिखाना भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्शन कर लूँगा और यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन दिखेगा आपको, और वहाँ पे मैं उसको क्लिक कर दूँगा। तो देखिए अपना यहाँ पे जो है वो अंडरलाइन आ चुकी है। मान लो ये सामने वाले को समझ में आएगा, लेकिन उसको ये समझ में आएगा कि ये इनको पैराग्राफ का जो सेंटेंस है वो दिखाना नहीं है हमको। अगर मुझे इसको निकालना है फॉर्मेटिंग, इसकी सिलेक्शन करूँगा, यहाँ पे आके क्लिक कर दूँगा, तो जो जैसे नॉर्मल था वैसे हो चुका है। इसके बाद हम देखने वाले सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। ये सबस्क्रिप्ट क्या होता है, मान लो हमारा स्कूल में एक फॉर्मूला था H, 2 और O, उसमें से 2 जो है वो थोड़ा हल्का सा नीचे की तरफ दिखाई देता है आपको, तो उसको नीचे करने के लिए हम सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। मैंने 2 को सिलेक्शन किया है और यहाँ पे आके इसको क्लिक कर दूंगा, तो देखिए यहाँ पे जो 2 है वो नीचे की तरफ आया हुआ है, तो ये अपना हो चुका है सबस्क्रिप्ट। अभी हम देखेंगे सुपर स्क्रिप्ट क्या है। मान लो हम एक डेट टाइप करेंगे 11th June, उसके बाद हम टाइप करेंगे 2020, उसके पहले यहाँ पे 11th करते हैं हम, जैसे कि फर्स्ट में ST होता है, सेकंड में ND होता है, वैसे हम 11th करेंगे और ये जो TH है उसको सिलेक्शन करेंगे, देन यहाँ पे आके इसको सुपर स्क्रिप्ट को हम क्लिक करेंगे, तो देखिए हल्का सा ऊपर की तरफ गया है ये, तो यही है अपना सुपर स्क्रिप्ट। फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे तो आपको दिखाया है, लेकिन आपको भी ये वीडियो को पॉज करते करते देखना है, ताकि आपको इसी का प्रैक्टिस भी हो सकता है, ठीक है। तो अगला टॉपिक देखेंगे, अगला ऑप्शन, यहाँ पे अगला ऑप्शन है टेक्स्ट इफेक्ट। मान लो मैंने यहाँ पे अपना चैनल का नाम लिखा है, का नाम हमने टाइप किया हुआ है, उसी को अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन करूँगा, यहाँ पे आके इसका थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा के लूँगा, बाद में यहाँ पे हम देखेंगे टेक्स्ट इफेक्ट क्या है, ये एरो को मैं क्लिक कर दूँगा, तो देखिए यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस है फॉन्ट टेक्स्ट इफेक्ट के, जहाँ पे भी जा रहा हो तो अपने ये टेक्स्ट में चेंजेस होते जा रहे हैं, इसको हम फाइनल कर देंगे तो इस तरीके से दिखेगा। तो ये था टेक्स्ट इफेक्ट। उसके बाद है टेक्स्ट हाईलाइट। इसका यूज क्या है, जैसे कि हमारा पैराग्राफ है, ये लेटर है अपने पास, और इसमें फर्स्ट जो पैराग्राफ है ये अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सामने वाले को हमको बताना है कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से हम हाईलाइट करते मार्कर से, सेम उसी तरीके से हम इसको सिलेक्शन करेंगे, देन यहाँ पे आके ये एरो को क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ढेर सारे कलर ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैं येल्लो को कर देता हूँ, आपने ज़्यादातर देखा रहेगा तो येल्लो मार्क ही होता है हाईलाइटर में, तो इसको मैं सिलेक्शन कर लूँगा, तो देखिए हो गया येल्लो कलर। अगर मुझे इसको निकालना है तो जैसे नॉर्मल था वैसे करना है, तो सिलेक्शन करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और नो कलर का ऑप्शन है उसको क्लिक कर दूँगा, तो ये हो चुका है अपना टेक्स्ट हाईलाइट कलर। बाद में हम देखने वाले हैं फॉन्ट कलर। अपना जो फॉन्ट कलर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है, अगर उसके बाद हमें कोई फॉन्ट कलर देना है तो हम सिलेक्शन करना पड़ेगा, जैसे कि मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्शन करूँगा, यहाँ पे आके बहुत सारे कलर ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको जो भी कलर फाइनल करना है उसको आपको सिलेक्शन करना है, जैसे कि मैंने रेड दिखाना है मुझे, तो देखिए हमारा जो कलर था फॉन्ट का वो ब्लैक था, और अभी मैंने रेड को सिलेक्शन किया है। बस अभी हम क्या करेंगे, हमारे दो ऑप्शन छूट गए थे उसको अभी हम कवर करेंगे। फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको और बोल्ड तो ऑलरेडी है, इटैलिक और अंडरलाइन कर लिया है। अगर मान लो मुझे ये जो फॉर्मेटिंग है वो इसको भी देना है, तो हम जो भी चेंजेस करते हैं उसी को फॉर्मेटिंग बोलते हैं। मान लो मैं इसको सिलेक्शन करूँगा, देन यहाँ पे आके फॉर्मेट पेंटर को आके
क्लिक कर दूंगा इसको, अपना जो कर्सर था उसके जगह पे एक ब्रश आपको दिखाई देगा यहाँ पे, और नॉर्मल सिंपल सा आपको सिलेक्शन करना है इसको। तो देखिए जो फॉन्ट साइज़ था, जो भी चेंजेस थे परफेक्ट वर्ड में, तो वो सब से चेंजेस इसमें आ चुके हैं। तो यही ऑप्शन था अपना फॉर्मेट पेंटर। अभी हम देखेंगे क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग मतलब हमने जो भी चेंजेस किए हैं उसको निकालना है, तो उसी को रिमूव करने हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको पहले तो सिलेक्शन कर लेंगे और यहाँ पे आके फॉर्मेट पेंटर, सॉरी क्लियर और फॉर्मेटिंग को क्लिक कर देंगे, तो अपनी जो भी चेंजेस थे वो वन स्टेप में रिमूव हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने क्लियर किया है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट ग्रुप, ये दो ग्रुप क्लियर किए हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे पैराग्राफ ग्रुप में क्या क्या ऑप्शंस है, उसके बाद स्टाइल्स है और उसके बाद एडिटिंग है। तो बस आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बता देना। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड।